नमस्कार, कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। केंद्र की नई कृषि नीति देश में करेगी सिंचित क्षेत्र को दोगुना। उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग करें जीएम बीज। हमीरपुर बनेगा जैविक खेती मॉडल जिला। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए 34.12 करोड़ रुपए स्वीकृत। और अब कूड़े से बनेगी जैविक खाद। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश में कृषि क्षेत्र को नया जीवन देने के लिए गठित की गई टास्क फोर्स के विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि जल और बिजली कीमत को लेकर मौजूदा नीतियां पानी के दोषपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही हैं। इससे पानी काफी मात्रा में बेकार हो रहा है, इसलिए अब विशेषज्ञ एक नई नीति पर काम कर रहे हैं जो मौजूदा जल संसाधन के साथ ही सिंचित क्षेत्र को दोगुना कर देगी। इसके साथ ही ये टास्क फोर्स कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आनुवांशिक तौर पर बीजों के इस्तेमाल और न्यूनतम फसल समर्थन मूल्य सुधारों की संभावनाएं भी तलाश रही है। नीति आयोग द्वारा गठित समिति देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जीएम बीजों के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। इसके अलावा सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में प्रभावित किसानों के बैंक खाते में सीधे धनराशि भेजने का भी सुझाव समिति द्वारा दिया गया है। भारत में बीटी कॉटन और कई अन्य देशों में जीएम फसलों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए भारत को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ दलहन और तिलहन जैसी फसलों में जहां परंपरागत प्रौद्योगिकी से पैदावार नहीं बढ़ रही है वहां उन क्षेत्रों में जीएम बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले कीटनाशकों के विपरीत प्रभाव की समस्या से निपटा जा सकेगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमीरपुर को मॉडल जिला बनाने के अलावा 15 जिलों में 50-50 एकड़ भूमि वाले 575 समूहों का गठन किया जाएगा। ये फैसला नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 41.04 करोड़ रूपये की योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में किसानों को रसायन एवं कीटनाशक मुक्त जैविक खेती से पर्यावरण संतुलन में सुधार होगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की राज्य स्तरीय समिति ने 34.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस योजना में लगभग 19,54,228 किसानों को कार्ड दिए जाएंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने घर के कूड़े से जैविक खाद बनाने की मशीन बनाई है। मैकेनिकल काउ कंपोस्टिंग नाम की यह मशीन मात्र 7 दिनों में बिना बदबू वाली उत्तम जैविक खाद तैयार कर देगी, जबकि अभी तक परंपरागत तरीके से खाद तैयार करने में करीब 6 महीने का समय लगता है। पहली बार 40 दिन में खाद तैयार होगी। इसके बाद जब एक बार मशीन के अंदर सूक्ष्मजीवी जमा हो जाएंगे तो फिर घर के जैविक कूड़े को डालने पर 7 दिन में ही बढ़िया जैविक खाद तैयार होने लगेगी। साथ ही कूड़े का इस्तेमाल खाद में होने से गंदगी भी दूर होगी। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ की मंडी में 1,415 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 1,410 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1,410 रुपए, हरदोई की मंडी में 1,410 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1,408 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,160 रुपए, लखीमपुर में 2,080 रुपए, फैजाबाद में 2,090 रुपए, हरदोई में 2,140 रुपए और शाहजहांपुर में 2,145 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1,640 रुपए, लखीमपुर में 1,600 रुपए, फैजाबाद में 1,540 रुपए, हरदोई में 1,550 रुपए और शाहजहांपुर में 1,560 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 8,400 रुपए, लखीमपुर में 8,350 रुपए, फैजाबाद में 8,300 रुपए, हरदोई में 8,160 रुपए और शाहजहांपुर में 8,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए, ए। बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, एसी एबीसी यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैंने भाइयों, अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम कोई समसामायिक विषय लेते हैं और उस विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। तो आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है फल एवं सब्जियों में सामायिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविन्द्र कुमार तोमर जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं, आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522228869। दूसरा नंबर है 0522220-5756 और एक टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें 1800-1805233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं फल एवं सब्जियों में सामायिक कार्य के बारे में। डॉक्टर साहब, शीतकालीन ऋतु चल रही है,
इस ऋतु को ध्यान में रखते हुए अगर हम फल एवं सब्जियों की बात करें तो यह ऋतु हमारे फल एवं सब्जियों के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां तक फल की बात है, हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वो आम का क्षेत्रफल है और हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसल भी आम की फसल है। उसके साथ साथ जो दूसरी फसलें हैं, हमारी अमरूद है, आंवला है, पपीता है, केला भी महत्वपूर्ण फसल में आ गया है और सब्जी की फसलें एक हमारी चल रही हैं जो सर्दियों में इस समय चल रही हैं, गाजर है, मूली है, पालक है, सलजम है, इस तरह की है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमें आगे आगामी जो फसल आने वाली है, जायद की जो फसल आने वाली है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले हम बात करते हैं आम के। आम में दो तरह से हमारे हैं, एक जिनसे हमें आगे फसल लेनी है वे बाग हैं जिनसे फसल लेनी है, और दूसरे बाग वो हैं जिन किसान भाइयों ने अभी हमारे नवरोपित बाग किए हैं जी। तो उनको अब आगे जो है, जैसे तापक्रम नीचे गिरता जा रहा है और लगातार ठंडी हवाएं चलेंगी, फिर पाले की समस्या आएगी। एक तो पाले से बचाव करना बहुत जरूरी है, मतलब जो बाग पहले से लगे हुए हैं, हाँ, इस वर्ष भी लगाए हों, पिछले साल भी जिसने लगाए होंगे उनके पौधे छोटे होंगे, तो उनके हमें पाले से सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। विशेष तौर से आम का पश्चिम क्षेत्र में जो जिधर तापक्रम जो है ज्यादा नीचे चला जाता है, उस तरह की आवश्यकता है। उनके ऊपर आप हल्का सा एक तरह से छप्पर स्टाइल बना करके डंडी दोनों तरफ लगा करके इस काम को कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हल्की सिंचाई कर दें। हल्की जब सिंचाई आप उसमें कर देंगे तो सिंचाई करने से उसमें तापक्रम जो है वहां का थोड़ा नीचे हो जाएगा और उसका पाला जो है उन पत्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा, और आपके पौधे अच्छी तरह से चल सकते हैं जी। अब हम बात करते हैं जो हमारे बड़े बाग हैं जी, उसमें हमारे दो तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और दो तरह की आवश्यकता की है। एक हमारे वो पौधे हैं जो करीब 15 से 20 साल के बीच में हैं, और दूसरे पौधे हैं जो 35 साल से अधिक के हैं। ऐसे पौधे जब 35 साल से अधिक हो जाते हैं तो उसमें छाया हो जाती है, आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के साथ साथ ऐसी स्थिति होती है कि जमीन पर धूप भी नहीं आ पाती और उसमें तरह तरह के कीड़े और बीमारियां पनपने लगती हैं, उनका उत्पादन भी कम हो जाता है। ऐसे पौधों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता होती है। साथ के साथ जो हमारे नए बाग लगते हैं जी, नए बाग लगने के कारण जब हम नए बाग लगाते हैं तो उनमें एक आवश्यकता होती है कि हम उसका ढांचा किस तरह से विकसित करें जी। इस चीज को हम लोग कहते हैं कैनोपी मैनेजमेंट, और कैनोपी मैनेजमेंट के लिए आपको आवश्यकता है कि आप अपने पौधे का ढांचा इस तरह से विकसित करें कि चारों तरफ से आपका बराबर फैलाव हो, और बड़ा होने के बाद उसको इस तरह से शेप देते हैं जैसे कप शेप, कटोरा शेप जो होता है, एक तरह से बाउल शेप जिसको कहते हैं जी जी। कि आपके चारों तरफ से वो रहते हैं और ऊपर से जो है प्रकाश ज्यादा अंदर की तरफ जाए। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर है जी। हेलो 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 सर, मैं विपिन कुमार लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। जी जी, क्या जानना चाहते हैं विपिन जी? सर, मैं शिमला की खेती करना चाहता हूँ। मेरी जमीन सीतापुर सिरौली क्षेत्र में पड़ती है जी, और मैं जिसकी खेती मेरे यहाँ होती तो है नहीं, खेती के बारे में जानना चाहता हूँ कैसे क्या की जाए। किस चीज की खेती की बात कर रहे हैं? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की खेती करने के लिए आपको थोड़ा सा आपने देरी कर दी है, और इसकी जो है सितंबर के बाद से ही आप इसकी पौध तैयार करेंगे। यदि इस समय आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं या आप बुआई करेंगे तो आप काफी देर चले जाएंगे, और अब सर्दी का महीना हो गया तो आप जो है लो टनल में थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल करके आपको शिमला मिर्च का जो साइज होता है वो अच्छी तरह से आपको नहीं मिल पाएगा। जब भी शिमला मिर्च की आप बुआई की तैयारी करें या इसकी करना चाहते हैं तो आप सितंबर से ही आप इसकी तैयारी करें, तभी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। और इसके लिए आप संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, या वहीं कृषि विज्ञान केंद्र से, आप सीतापुर में ही कृषि विज्ञान केंद्र से इस पर राय ले सकते हैं, या लखनऊ में आते हैं लखनऊ में भी आप निदेशालय उद्यान में भी आप संपर्क कर सकते हैं इस बारे में जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम आम की बात कर रहे हैं तो आम की हमें फलद अच्छी मिले तो इस समय किस तरह की तैयारी करें? अब आगामी जो फसल हमारी होने वाली है उस फसल के लिए अभी से हमें तैयारी करने की आवश्यकता है जी। और उसके लिए हम अभी से तैयारी क्या करें, क्योंकि अब जितने भी हमारे कीट पतंगे हैं और मुख्य रूप से मिली बग का जो प्रकोप होता है। सर, आपको मैं बीच में रोकूंगा। लखनऊ से मनीष जी हैं फोन लाइन पर। हेलो
हेलो। हाँ मनीष जी, क्या जानना चाहते हैं? सर हमें जी जी हमें ये मनीष जी केले के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो केले की खेती के लिए कैसे क्या करना? देखिए केले की खेती के लिए यदि आप करना, आपने केला लगाया होगा तो केला रहे अकेला, पहली बात तो यह है। इसके लिए आपको जो भी केले के पास में यदि दूसरे सकर्स निकल रहे हैं तो आप उनको हटा दें, और हटाने के साथ साथ अब आप जो है उसमें हर दूसरे महीने उसकी जो पोषक तत्व की बहुत आवश्यकता होती है केले में, उस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, केले में ग्रोथ हो जाती है तो उसके चारों तरफ जो है मिट्टी आप उसको लगा दें, जिससे कि उसका, क्योंकि अब उसके बाद जब बढ़ोतरी होगी या उसमें आगे घार निकलेंगी तो उसे गिरने की संभावना रहती है, तो उसमें अधिक से अधिक मिट्टी लगा करके उसको सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके जो तने के नीचे से, जो नीचे जड़ से सकर्स निकलते हैं उनको भी हटा दें, क्योंकि जो ताकत हम, जो फर्टिलाइजर, जो पोषक तत्व तो हम उसके देते हैं तो वो सकर्स में चलने जाते हैं और आपकी घार जो है वो प्रभावित होती है। इसलिए इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है, यदि नई खेती करना चाहते हैं तो आप जून के माह से प्रारंभ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या केले के साथ मिलवा खेती नहीं की जा सकती है? केल के साथ मिलवा खेती थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये बड़े ही क्लोज स्पेस में लगते हैं, 1.5 से 2 मीटर के लगते हैं, और इसके अंदर छाया काफी रहती है और थोड़ा नमी बढ़ जाती है। आमतौर से इसके लिए मई के महीने में आप धनिया बड़े अच्छी तरह से ले सकते हैं, और उस समय धनिया के बड़े अच्छे, हरे धनिया के रेट जो है बड़ा अच्छा मिलता है। डॉक्टर साहब, इस समय जो मौसम चल रहा है तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आम के जो वृक्ष है उसके चारों तरफ कुछ हमें ध्यान देने उसी की बात कर रहे थे हम, कि मिली बग जो है, मिली बग बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, और उस कीड़े पे उसका नियंत्रण जो है आप अभी से कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर महीने में ही इनके अंडे से बच्चे निकलते हैं, और ये बच्चे निकलने के बाद ये तने के ऊपर चढ़ने लगते हैं, और जब तने के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जब ऊपर चढ़ जाएंगे और ये सफेद रंग के होंगे तो आप इसका नियंत्रण मुश्किल से कर पाएंगे, या नियंत्रण सही तरह से नहीं हो पाता है। तो ये आवश्यक ये है कि इसी समय आप इसके नियंत्रण के लिए दो महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। पहला, आप मुख्य तने के ऊपर एक कम से कम 30 सेंटीमीटर चौड़ी जो है एक पॉलिथीन की पट्टी इसके चारों तरफ बांध दे तने के ऊपर, और कम से कम 200 गेज की ये पट्टी रहनी चाहिए। इसके नीचे और ऊपर एक क्रूड जो है वो ग्रीस होता है, दोनों ग्रीस लगा दें, क्योंकि जब भी इसके, कभी कभी ऐसा होता है पॉलीथीन और तने के बीच में से वो मिलीबग के जो बच्चे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, तो जब आप नीचे ग्रीस लगा देंगे, ऊपर ग्रीस लगा देंगे तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। ये नियंत्रण है, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। दूसरा है, आप जमीन में आप फोलिडाल डस्ट उसमें डाल दें, और ये फोलिडाल डस्ट डालते ही आपके जो भी वहां बच्चे उसमें निकलेंगे तो उसका नियंत्रण वहां हो जाएगा, बाकी चढ़ने से रोक देंगे। उसके बाद जनवरी में जब स्प्रे हम करते हैं तो बाकी जो है वहां बचाव हो सकता है। इस तरह से आप मिलीबग का एक अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जितने भी हमारे बाग में वृक्ष हैं आम के, तो उनमें सभी साथ यही, सबके साथ यही करना होगा कि सभी के तने के ऊपर और उसके नीचे मुख्य तने के चारों तरफ जो है आप उसमें फोलिडाल डस्ट डाल करके उसका नियंत्रण कर सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सिंचाई वगैरह के भी हमें ध्यान रखना है क्या? सिंचाई इस समय यह है कि इस समय पौधों में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, अब सब में प्रक्रिया हो गई होगी, आगे बोर निकलने की प्रक्रिया है, सिंचाई को थोड़ा सा रोकना चाहिए। लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि आपके यहां पाला ज्यादा पड़ रहा है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो बहुत हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं, जिससे कि पाले से आप बचाव कर सकते हैं। क्योंकि हमारी समस्या दो है, एक समस्या यह है कि हमारा फ्लावरिंग निकल रहा है, दूसरा कभी कभी यह होता है जब तापक्रम हमारा ज्यादा होने लगता है या सर्दी जल्दी नहीं आती है तो आपका बोर निकलना प्रारंभ हो जाता है। अगर आपका बोर निकल गया तो वो आपका बोर ठंड की वजह से खराब हो जाता है, तो यदि हल्की सिंचाई आप कर देंगे तो थोड़ा सा बोर निकलने की प्रक्रिया डिले हो जाएगी, और वो डिले होने से थोड़ा देर में निकलेगी तो आपका फायदेमंद है। पहले यह कहा जाता था के बोर निकलने के लिए या इस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आम तौर से यह देखने में आया है कि हमारा जो वाटर लेवल है वो जमीन में काफी नीचे चला गया है और उससे काफी खुश्की रहती है, इसलिए अगर हल्की सिंचाई कर देते हैं तो थोड़ा लाभ मिलता है। हल्की सिंचाई, हल्की सिंचाई भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लडिंग नहीं करनी है, बहुत ही हल्की सिंचाई है जिससे कि जो पोषक तत्व है वे आसानी से मिल जाए, और आपका जो है एक तापक्रम, एक वहां का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो इस तरह से विकसित हो जाए कि पाला जो पड़ता है
वो उसका टेम्परेचर न हो, पाला भी पौधे को नुकसान। डॉक्टर साहब वेद प्रकाश पांडे जी इलाहाबाद से फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ वेद प्रकाश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? आंवले की खेती कर रहे हैं। जी जी, आंवले की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। आंवले की खेती इस समय आप कर रहे हैं। आंवले में सबसे बड़ी समस्या है उसकी हार्वेस्टिंग की। आमतौर से आंवले को तोड़ते वक्त दो लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं। जो हमारे किसान भाई है, या तो वो ठेके पे दे देते हैं, या वो जब तोड़ते हैं तो डंडे के सहारे या हिला के तोड़ते हैं। अगर आंवले की जो स्किन होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, अगर वो सीधे जमीन पर लग जाती है तो उसमें दाग लग जाएंगे। आमतौर से अगर आप एक क्रेट में देखें तो 25-30% ऐसे दाने होंगे जो प्रभावित होंगे इस चीज से, चोट से प्रभावित होंगे। और ये चोट लगे दाने जैसे ही 3-4 दिन के बाद होगा उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, और आपका 30-40% आंवला इसीलिए खराब हो जाता है कि आपके चोट लगे होने के कारण। तो मतलब तुड़ाई में हमें बहुत ध्यान देना है, तुड़ाई में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आंवला की फलत जो है इतनी ज्यादा आती है कि टहनियां तक टूट जाती हैं, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह है, इसके साथ साथ हमें यह भी देखने की आवश्यकता है इस समय कि आंवले में तना भेदक और जो एक तरह से बोरर जो है काफी लगा रहता है, तो उसके नियंत्रण करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे आगे शाखाएं टूट जाती हैं, शाखाओं में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाई अपने बाग को पूरी तरह से देखे कहां कहां उसमें इस तरह से है। और दूसरी तरह जैसे हम पहले आम के पौधों में कह रहे थे, इसमें भी एक कैनोपी मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। आंवले में भी कर सकते हैं, आंवले में भी कैनोपी मैनेजमेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आंवला का पेड़ आपका एक तरफ कोई फैला हुआ हो। तो अगर बहुत पुराना बाग हो गया है तो उसके भी कटाई करके जीर्णोद्धार कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रजातियां बदल रही हैं। जब आपका बाग 35-40 साल पुराना हो या देसी के बहुत ज्यादा पेड़ आपके बाग में है तो उन बागों को ऊपर से कटाई करते हैं, और जब नए कल्ले निकले तो नए कल्लों के साथ साथ आप जो मनवांछित आपके मनपसंद प्रजाति उसके ऊपर बडिंग कर सकते हैं, और आपका जो पुराना पेड़ है वो एक तरह से नई प्रजाति में परिवर्तित हो जाता है और आप अच्छी फसल उससे ले सकते हैं। मतलब हमें पुराने बागों का जीर्णोद्धार करने की भी आवश्यकता है, और यह समय बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और आप जीर्णोद्धार ही नहीं, आप उसको अपने मन माफिक अपने वांछित प्रजाति उसके ऊपर बडिंग कर सकते हैं, और आपका बाग पूरी तरह से जैसे कहते हैं कलमी, देसी से कलमी में भी परिवर्तित हो सकता है। डॉक्टर साहब ये तो हम फलों की बात कर रहे हैं, अगर हम आप सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में हम किस तरह से कौन हमारे सी फसल ले सकते किसान हैं? भाई किस तरह के? सबसे ज्यादा एक बात करते हैं जी कि सभी के सभी एक साथ फसल की बुआई करते हैं, फिर उनका उत्पादन एक साथ आता है। इससे क्या होता है, मांग और पूर्ति का जो नियम होता है कि मांग कम होती है पूर्ति अधिक होने लगती है, उनको अच्छी अपनी उपज का अच्छा दाम मंडी में नहीं मिल पाता जी। इस कारण हम किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहते हैं कि अब आगे आने वाली फसलों में आप प्लास्टिक कल्चर का उपयोग करें। ये क्या आप लो टनल का उपयोग करें? प्लास्टिक कल्चर, प्लास्टिक कल्चर का मतलब है लो टनल। आप अपने बेहन उत्पादन के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपनाएं कि आपको 10-15 दिन पहले आप फसल ले सकते हैं। अच्छा, उदाहरण के स्वरूप जायद की फसलें वही किसान लगाएंगे जिनके खेत में इस समय आलू की फसल होगी। अगर आपका खेत खाली है और आप चाहते हैं कि मैं फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही आप पौधरोपण करूं, तो पौधरोपण के लिए आपको ऐसा करना होगा कि 15 जनवरी तक ही आप बेहन डाल दें। अगर बेहन आप डाल देते हैं और उसके ऊपर चाहे आप बांस की फट्टी हो चाहे आप लोहे के तार हो, इसको इस तरह से अर्धचंद्राकार में लगा दें और उसके ऊपर पॉलिथीन सीट डाल दें। डॉक्टर साहब सियाराम जी गोरखपुर से फोन लाइन पर है। हेलो हेलो। हाँ सियाराम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सियाराम जी जानना चाहते हैं किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं? भिंडी की खेती। देखिए भिंडी की खेती के लिए आपको 15 फरवरी के देखना है। इस समय भिंडी की आप वाई नहीं कर सकते हैं। आप 15 फरवरी तक आप जो है यदि आपके खेत खाली हैं या जैसे अभी मैंने कहा है कि उसकी जुताई के लिए मान लिया दूसरी फसल खड़ी है तो पहले पलेवा कर लें, तो आप अपनी तैयारी पहले से ही कर लें। बीज को पहले से ही भिगोएं, ट्रीट करें, तो सारी प्रक्रिया आपको जब पता है कि मुझे 15 फरवरी तक बुआई करनी है तो उसके अनुसार पहले से ही बीज की व्यवस्था कर लें। जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से वैज्ञानिकों को सलाह करके
कौन से क्षेत्र में कौन सी भिंडी अच्छा रेस्पॉन्स देती है, आपके मंडी में किस भिंडी के अच्छे दाम मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का फल पसंद किया जाता है जी, चाहे वो मिर्च के मामले में हो चाहे भिंडी के मामले में हो, तो वहां की जो प्रजाति है जो लोग वहां आमतौर से लगाते हैं जिसकी मांग ज्यादा है तो उसके बीज की व्यवस्था कर लें, पहले से सारी व्यवस्था करके रखें और जैसे इस अनुकूल समय आएगा आप अपने भिंडी का उत्पादन ले सकते हैं और अपने संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें फसल अच्छी लेने के लिए, उत्पादन अच्छा लेने के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, हम फल और सब्जियों दोनों के परिप्रेक्ष्य में, मैं दोनों की बात करता हूं, हमारे उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा बीज, और बीज का दूसरी बात होती है समय, बुआई के समय। जब आपका बीज अच्छा होता है तो आप अपने क्षेत्र में अपनी मांग के अनुसार बीज लें जी, अच्छी क्वालिटी का बीज लें, सर्टिफाइड बीज लें जी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सब्जी में यहां तक होता है, यदि आपने एक सप्ताह भी डिले कर दिया, विलंब से बुआई की या विलंब से ट्रांसप्लांट किया, तो आपके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब प्रमाणित बीज का ही हमें, प्रमाणित बीज समय से और जो लाइन है, और तीसरी बात है पोषक तत्व। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फल सब्जियों में हमें किस तरह के सामायिक कार्य करने हैं और अच्छा उत्पादन के लिए क्या करना है, तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।